फियर फियर फियर, सबके मन में बहुत ज़्यादा डर है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और इसी डर को मैं आज एनालिसिस करने वाला हूँ, और ये भी एनालिसिस करने वाला हूँ कि ये आने वाले दिनों में बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करने वाला है और बिजनेस किस डायरेक्शन में जाने वाला है इस डर के कारण। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु हैज कॉन्क्वर्ड दैट फियर। आज के दिन में हमें यही चाहिए, डर को मार के उसके ऊपर हमें अपना जीत का झंडा लहराना है। बट फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फियर है क्या और हमारे बिजनेस को आने वाले दिनों में ये फियर कैसे इन्फ्लुएंस करने वाला है। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वेबिनार करूंगा जिसमें मैं स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस करूंगा, क्योंकि अब वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से एंड अदर कंट्रीज से डेटा आने लगा है कि आफ्टर दिस काइंड ऑफ अ क्राइसिस कैसे वर्ल्ड मूव करने वाला है, कैसे बिजनेस ट्रेंड होने वाला है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे शिफ्ट करने वाला है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ये मैं डेटा के साथ हर एक डेटा पॉइंट को डिस्कस करूंगा मेरा आने वाले वेबिनार में। टू अटेंड दैट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फ्री वेबिनार, आप नीचे दिए गए फेसबुक ग्रुप है उसका लिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर जाइए, वहीं पर मैं अपना वेबिनार का डेट टाइम एंड डिटेल्स अनाउंस करने वाला हूँ। Now let us start with this fear grid. हाँ, मैंने एक ग्रिड बनाया है जहाँ पे मैंने different types of fears को प्लॉट किया है, जिससे हमें पता चलेगा कि कहाँ से हम लोग शुरू करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने वाला है यही डर। अगर हम इन डर को अच्छी तरीके से समझे तो हम कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आने वाले दिनों में, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फियर ग्रिड। अगर आप देखो तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फियर इन the mind of people right now. Number one is health related and number two is wealth related. Health and wealth. और इसके बारे में भी लोगों के मन में तीन प्रश्न हैं. That is mostly the what question, the how question and the where question. तो हर एक चीज, हर एक fear element के ये तीन questions मैं discuss करूँगा wherever, whatever is applicable, I will discuss those questions. Right? Let us start with those fears in the fear grid. Currently, there are four health-related fears in the mind of people: food and grocery-related, public place, travel and climate. और हर एक fear के अंदर लोगों के मन में कुछ ना कुछ questions हैं। हम वही questions को discuss करने वाले हैं। जैसे कि food and groceries में आप देखो तो लोगों के मन में दो important question हैं। What to buy and from where to buy. What to buy में आ जाएगा, क्या हम खरीदे जो हमारे हेल्थ के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाले, क्या हमें खाना चाहिए ताकि हमें इम्यूनिटी हमारा बढ़े, क्या खरीदना चाहिए ताकि हमारा हाइजीन मेंटेन रहे, ये सब कुछ इज what to buy and from where to buy. जहाँ से हम खरीद रहे that also should be hygienic place, जहाँ से आ रहे हैं. Now I will be more cautious about कि कहाँ से मैं चीज़ मंगा रहा हूँ. So these are the two important questions. Public places में one important question, where to go and also where not to go. ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं entertainment कोई mall में जाऊँगा, कोई multiplex में जाऊँगा, so I'll think twice कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं. Where to go and where not to go is very very important question. Then travel. Travel में दो question लोगों के मन में है. How to travel? क्या mode रहना चाहिए? मैं बस से जाऊं, मैं ट्रेन से जाऊं, मैं फ्लाइट से जाऊं, क्या हमारे लिए सही रहेगा फ्रॉम अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. एंड वेयर टू ट्रैवल, कहाँ पे जाऊं, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्या वो जगह हेल्थ के लिए, मेरा हेल्थ के लिए सेफ है. दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट. क्लाइमेट में लोग ये सोच रहे हैं कि व्हाट विल द क्लाइमेट बी इन फ्यूचर, आने वाले दिनों में क्लाइमेट का क्या सिचुएशन होने वाला है. And the how question is, ये हमारे health को कैसे impact करने वाले हैं. So these are the two important climate related questions. Now let me summarize this entire thing. You can see the grid over here. So सारे questions आप देखो कि हर एक fear element में
तीनों क्वेश्चन नहीं है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैंने यहां पे पुट किया है और यही इन्फ्लुएंस करने वाला है हमारे आने वाले बिजनेस को। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा विद स्टैटिस्टिक्स डेटा कि क्या होने वाला है व्हेन आई डिस्कस इट इन द वेबिनार। इसी को हम लोग एक बेंचमार्क मान के चलेंगे बिकॉज दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव आवर बिजनेस फॉरवर्ड। रिगार्डिंग वेल्थ देयर आर टॉप फाइव फियर्स आर अर्निंग स्पेंडिंग सेविंग एसेट्स एंड इकोनॉमी। दीज आर द टॉप फाइव फियर्स। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। रिगार्डिंग अर्निंग लोगों के मन में दो टिपिकल क्वेश्चन है, दैट इज हाउ इज दिस करंट क्राइसिस गोइंग टू इम्पैक्ट माई करंट इनकम। ये जो क्राइसिस है इसका इम्पैक्ट मेरे करंट इनकम के ऊपर कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो लोग सोच रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे अपने मन में। एंड नंबर टू, अगर आपने अभी तक अर्निंग शुरू नहीं किया है, जॉब ढूंढ रहे, तो देन द क्वेश्चन इज कि वेयर कैन आई गेट अ डिसेंट जॉब, कहाँ पे मुझे अच्छा जॉब मिलेगा। दीज आर द टू टिपिकल क्वेश्चन दैट कम इन द माइंड ऑफ द पीपल राइट नाउ। देन रिगार्डिंग स्पेंडिंग, हाउ कैन आई स्पेंड लेस। अब मैंने हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में लाइफस्टाइल ऑफ कंज्यूमर्स हैव चेंज्ड कम्प्लीटली। लोग बाहर ज़्यादा जाने लगे थे, खर्चा करने लगे थे, लग्जोरियस प्रीमियम प्रोडक्ट्स वेदर इन द मार्केट, नॉन एसेंशियल में बहुत ज़्यादा लोग स्पेंड कर रहे थे। ऑल दिस इज प्रॉब्ली गोइंग टू चेंज नाउ। ओके, सो क्वेश्चन इज हाउ कैन आई स्पेंड लेस, ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्पेंडिंग। सेविंग्स के लिए देर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाउ मच कैन आई सेव, कितना मैं सेव कर सकता हूं, और एक भी क्वेश्चन है विच इज हाउ मच आई शुड सेव, दैट इज कितना मुझे सेव करना चाहिए। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हाउ एंड ऑल्सो वेयर टू पुट माई सेविंग्स। ये जो सेविंग्स है इसको मैं कहां रखूं सो दैट इट रिमेन्स सेफ। ओके, सो दीज आर द टू सेविंग्स रिलेटेड क्वेश्चंस। देन एसेट रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इंपैक्ट इट इज गोइंग टू हैव ऑन द एसेट। अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट है तो कितना नेगेटिव इंपैक्ट करने वाला है ये जो हमारा एसेट है, जो भी है, हो सकता है किसी का हाउस हो, लैंड हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी एसेट हो, गोल्ड हो, बॉन्ड हो, व्हाटएवर, हमारा जो भी एसेट्स है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है इस करंट क्राइसिस का। एंड फाइनली अबाउट द इकोनॉमी विच इज द वेयर क्वेश्चन, वेयर इज दिस इकोनॉमी हेडिंग टू, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, सो दैट वी कैन एटलीस्ट गेट अ सेंस ऑफ वेयर इट इज गोइंग एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर आवर सेल्व्स। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेल्थ। सो यू कैन सी अ समरी ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, जो भी हम लोग वेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है इसको हमने समराइज किया है। नाउ इन द वेबिनार आई विल डिस्कस ईच ऑफ दीज इन डिटेल सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ दिस फियर्स आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर इन द कमिंग डेज। मैं डेटा शेयर करूंगा, मैं स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगा एंड प्रॉबेबली यू विल गेट सम आइडिया। सी माई हियर आई एम नॉट हियर टू गिव यू अ सोल्यूशन, बट आई एम हियर यू टू गाइड सो दैट यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन फॉर योर सेल्फ। आई विल सपोर्ट यू विद द डेटा, आई विल सपोर्ट यू विद ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो गिव यू सम गाइडलाइंस ऑन विच यू कैन थिंक फॉर योर ओन बिजनेस सो दैट यू कैन फाइंड अ सम सोल्यूशन, सम एक्शनेबल सोल्यूशन जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो और आने वाले दिनों में अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो इन द वेबिनार एंड आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।